दोस्तों, अगर आप एक सैलरी इम्प्लॉय है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और आपके इनकम में से जो भी आपकी सैलरी होती है, उस सैलरी में से कुछ परसेंट टैक्स के रूप में काट दिया जाता है, जो कि सरकार को जमा किया जाता है, तो ऐसे में आप सभी लोग एक आईटीआर फाइल जरूर करते होंगे। लेकिन अगर आपको सीखना है कि आप खुद से आईटीआर फाइल कैसे करते हैं और आईटीआर फाइल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप एक सैलरी इम्प्लॉय हैं, चाहे आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो ऐसे में आपको आईटीआर 1 फाइल करनी होती है। तो सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलते रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे लिख लेना है ई फीलिंग इस तरह, और उसको सर्च कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट आ रही होगी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, इस तरह पेज ओपन होगा। और यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं, जैसे अगर आप आईटीआर फाइल पहली बार भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, रजिस्टर करके यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप आईटीआर फाइल कई बार भर चुके हैं, तो आपका अकाउंट जरूर बना होगा, तब आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करके यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डाल के कंटिन्यू करके ओटीपी वगैरह आएगा आपके मोबाइल पर, उस पर वैलिडेट करके तब जाके आपका इस वेबसाइट पे एक अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले से अकाउंट बना रखा है, मुझे केवल लॉगिन करना है। जब आपका अकाउंट बन जाए, तब आप यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज लिखा हुआ है, यहाँ पर जो सामने बॉक्स आ रहा है, इस पे आपको टिक कर देना है। नीचे आपको पासवर्ड लिख देना है, जो भी आपका अकाउंट का जो भी पासवर्ड होगा, जब आपने आईडी क्रिएट करा होगा, जो आपने पासवर्ड सेट कर रखा होगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ लिख देना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पर जो मेरा अकाउंट है, वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं, फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पर 2024-25 का यहाँ पर फाइल करने के लिए, क्लेम करने के लिए आ रहा है। अगर आपके इधर और सामने ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप ई फाइल में भी जाकर इनकम टैक्स रिटर्न पे जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिलेक्ट असेसमेंट ईयर पूछ रहा है, तो हमें करंट ईयर का ही आईटीआर फाइल करना है। तो 2024-25 आ रहा है यहाँ पर करंट ईयर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और जो मोड ऑफ फिलिंग है, ऑनलाइन करना है, और यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आईटीआर फाइल पहले भर रखी थी, लेकिन सबमिट नहीं करी है, बीच में मैंने छोड़ दिया था, तो इसलिए यहाँ पर रिज्यूम फिलिंग का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन आपके यहाँ स्टार्ट न्यू फिलिंग का आ रहा होगा, क्योंकि आपको एक फ्रेश आईटीआर फाइल भरनी है। तो यहाँ पर स्टार्ट न्यू फिलिंग पे आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आपको नीचे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप अपना पर्सनल खुद का आप आईटीआर फाइल भर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं, सिलेक्ट आईटीआर फॉर्म आ रहा है, यानी आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर देख सकते हैं, जब आईटीआर आ रहा है, हर आईटीआर का अलग मतलब होता है। तो जैसे इधर हम आईटीआर 1 भर रहे हैं, आईटीआर 1 केवल वही लोग भरते हैं जिनकी केवल सैलरी से इनकम होती है, यानी अगर वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, सिर्फ उनकी सैलरी से इनकम आती है। याद है, सिर्फ अगर आपकी सैलरी से इनकम आ रही है, तभी आप आईटीआर 1 भरेंगे। तो यहाँ पर मैं जिस पर्सन का आईटीआर भर रहा हूँ, वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, इसलिए मैं इधर आईटीआर 1 भर रहा हूँ। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो भी आप आईटीआर 1 भर सकते हैं। और यहाँ पर प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछेगा कि आप आईटीआर फाइल जो है वो क्यों भर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कई रीजन दिखाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको अदर पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इस तरह पॉपअप आएगा, इसको ओके क्लिक कर देना है। यहाँ पर सब में देख सकते हैं, ग्रीन कलर का कन्फर्म लिखा हुआ आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आईटीआर फाइल पहले से भर रखी है, लेकिन सबमिट नहीं करी थी। मैं आपको ये एक एक ऑप्शन बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे भरना है। जैसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रहा होगा ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर आपकी डिटेल आ रही होगी, जो भी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब यहाँ पर डिटेल आ रहा होगा। इसको नीचे करना है और यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा होगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जिस भी, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो यहाँ पर नीचे एक अदर का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं। लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैं जिसका ये आईटीआर फाइल भर रहा हूँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर फील्ड
फर्स्ट में आपको इस ऑप्शन पे टिक करके 139 वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे जाना है। अब यहाँ पर डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन न्यू टैक्स रेज्यूमे है, तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देना है। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, क्योंकि ITR फाइल जब सबमिट कर देंगे तो जो पैसा है वो कौन से बैंक अकाउंट में चाहते हैं तो वो आपको बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड पे क्लिक करके अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल के इधर ऐड यहाँ पर कर देना। मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो इसलिए यहाँ पर इधर आ रहा है, और यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कर देना आपको। तो यहाँ पर दोस्तों जब मेरा फर्स्ट जो स्टेप है वो कम्प्लीट हो चुका है, अब यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम में यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपके इधर अमाउंट पहले से भरा हुआ आ रहा है तो इसको यहाँ पर आप रहने दीजिए, इस पे आप कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए। और अगर नहीं आ रहा है तो इसको आप स्किप द क्वेश्चन पे आप क्लिक कर सकते हैं, इस ग्रॉस इनकम वाले आप सेक्शन को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अमाउंट जैसे मेरा पहले से इधर भरा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर आप रहने दीजिए, अगर आपका इधर 0-0 आ रहा है तो भी आप यहाँ पर स्किप द क्वेश्चन पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर कुछ अमाउंट इधर भरा हुआ आ रहा है तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक कर दे रहा हूँ, अगर आपका 0 आ रहा है तो यहाँ पर स्किप द क्वेश्चन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी इनकम डालनी है, जो भी आपकी सैलरी से इनकम होती है वो डिटेल आपको यहाँ डालना है, आपको ग्रॉस सैलरी कितना है वो सब आपको इधर डालना है। और अगर आपका जो इनकम है वह हाउस से होता है, घर से इनकम आती है, तो उसकी डिटेल आपको इधर डालना है। तो जैसे अगर आप सैलरी पर्सन है तो इस वाले कॉलम को तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो इनकम फ्रॉम सैलरी है इस वाले कॉलम को आपको डालना है। तो यहाँ पर देख सकते थे मेरा पहले से भरा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फॉर्म को जो है फिल कर रखा है, आपको अपने हिसाब से जो फिल कर लेना है। और जैसे अगर आप ये डाटा भरा हुआ नहीं आ रहा तो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17 लिखा हुआ है, तो अगर आपको फॉर्म 16 मिला होगा, जिस जगह आप काम करते हैं वहां से फॉर्म 16 मिला होगा, तो वहां से देखकर आप यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी फॉर्म 16 नहीं मिला है तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपकी मंथली सैलरी होगी उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे अगर आप मान के चलिए अगर आपकी महीने की सैलरी 10,000 है और आप 12 महीने अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,000 होता है, तो यहाँ पर आपको सिंपली 1,20,000 लिख देना है। यानी जो भी आपकी मंथली सैलरी होगी उसको 12 से आपको मल्टीप्लाई करके जो भी आपका बन रहा होगा, जो भी साल का आपका एनुअल इनकम बन रहा होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है, और यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देना। तो ऐसे आपको ये जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, टोटल डिडक्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है, और टोटल डिडक्शन वाले कॉलम को भी आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, और यहाँ कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर टैक्स पेड है कि कितना पैसा आपको मिलेगा, तो जो अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा वो अमाउंट ये आपके टैक्स पेड के सामने इधर लिखा होगा कि कितना आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना टैक्स पेड पे, और यहाँ सब जब पहले से इधर आपका लिखा हुआ आ रहा होगा तो यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कर देना है, और टोटल टैक्स लाइबिलिटी इस पे भी आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर इस तरह यहाँ पर आ रहा होगा तो यहाँ पर लास्ट में जाकर कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। तो फाइनली जो आपका ये फॉर्म है ये भर चुका है, अब आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपका कंफर्म लिखा हुआ आ रहा होगा तो उसका मतलब आपने ये पांचों स्टेप सही तरीके से भर लिया है, अब आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह यहाँ पर पेज ओपन हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा अमाउंट है उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ कि मैं रिफंड कर सकता हूँ, इतना मुझे अमाउंट मिलेगा। तो इसको मैं PDF में भी डाउनलोड कर सकता हूँ, अगर आपका प्रिंटर से कनेक्ट है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर सबसे आपको नीचे चले जाना है और प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, आपका नाम इधर पहले से लिखा हुआ आ रहा होगा, आपका जो फादर नेम होगा वो इधर लिखा हुआ आ रहा होगा, और यहाँ पर दिस रिटर्न माय कैपेसिटी एज यहाँ पर सेल सेल्फी क्लिक कर दीजिए क्योंकि आपने खुद ही फॉर्म भरा है, और यहाँ पर आपका पैन नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा, और यहाँ पर प्लेस आपको लिख देना है जिस भी जगह से आप है, तो यहाँ पर मैं जिस भी जगह से हूँ मैंने वो प्लेस डाल दिया है। यहाँ पर डेट आ रही होगी कि किस दिन आपने फॉर्म भरा है, और यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इधर प्रीव्यू आ गया ITR 1 का, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है या प्रिंट भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे नीचे चले जाना है, यहाँ पर सबसे नीचे जाके प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वैलिडेट सक्सेसफुल हो गया है, अब आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है, तो ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसको दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर एड है वो मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं उसके क्या OTP जाएगा, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या आपके पास जो बैंक अकाउंट है उसमें जो मोबाइल नंबर एड हो रखा है उस पे एक
OTP जाएगा उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर ऐड है वो मोबाइल नंबर है नहीं, खो गया है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर ऐड है वो है, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन मैं बैंक अकाउंट के थ्रू कर रहा हूँ, जो बैंक अकाउंट है उसमें जो मोबाइल नंबर ऐड है उस पर OTP जाएगा, उससे भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रॉड बैंक अकाउंट है, इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो आपके मोबाइल नंबर पर जो कोड गया होगा वो कोड आपको पूरा यहाँ पर लिख देना है और ई वेरीफाई पे क्लिक कर देना है और एक कंफर्मेशन मांग रहा है सबमिट के लिए, सबमिट पे क्लिक कर देना है। देख सकते यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड वेरीफाई योर डिटेक्ट और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आ रहा होगा और गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। उससे पहले आपको डाउनलोड रिसीप्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ से डाउनलोड रिसीप्ट कर लेना है। गो टू डैशबोर्ड पे चलते हैं। अब आपको इसका स्टेटस देखना है तो ई फाइल पे जाना, आपको इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फील्ड रिटर्न पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो ITR है सक्सेसफुली यहाँ पर फाइल हो चुका है और यहाँ से आपको डाउनलोड फॉर्म कर लेना है, डाउनलोड रिसीप्ट कर लेना है, ये दो फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से आप स्टेटस आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कितने आसान तरीके से आप अपना एक ITR फाइल खुद से भर सकते हैं और आपको अपना बीच बीच में स्टेटस चेक करते रहना, जो आपने ITR फाइल भरा है उसका बीच बीच में स्टेटस चेक करते रहना ताकि आपको पता चलते रहे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। यदि अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी।